चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज मैं दोस्तों हाइला के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं। आइए जानते हैं हाइला के विषय में। सबसे पहले ये बता दूं दोस्तों कि हाइला को फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों डायग्राम में आ जाते हैं। हमारे देश में कई प्रकार के वृक्षाश्रय एब्रोरियल अथवा पौधों और चट्टानों आदि पर चढ़ जाने वाले टोड पाए जाते हैं। इनमें हाइला शैली के टोड काफ़ी मिलते हैं। हाइला 2 से 6 सेंटीमीटर लंबा होता है। शरीर दुबला पतला चिकना हरा सा और टांगें लंबी होती हैं। उंगलियों के सिरे पर विशेष प्रकार की ग्रंथियों के कारण फूली हुई चिपचिपी गद्दियाँ एडहेसिव पैड जिनमें ये टोड पेड़ों पर आदि पर चढ़ सकते हैं। पादों की उंगलियों के बीच विशेष वेब जाल होता है दोस्तों। इसमें हिंडलिम होता है, फोलिम होता है, टिम्फेनिक मेम्ब्रेन होती है, माउथ होता है, एक्सटर्नल नार्स होता है, आइज होती हैं, हेड होता है दोस्तों, क्लोएकल अपर्चर्स होते हैं दोस्तों, टुंड आगे से वृत्ताकार सा होता है, आगे से टुंड जो होता है वृत्ताकार सा होता है। मुख ग्रासन गुहिका में दांत केवल ऊपरी जबड़े में होते हैं, दांत केवल ऊपरी जबड़े में होते हैं दोस्तों। नर में एक जोड़ी विकसित स्वर कोष्ठक जिनमें तीखी ध्वनि उत्पन्न होती हो पाए जाते हैं। कुछ सीमा तक ये अपने रंग को वातावरण के रंग के अनुसार बदल सकते हैं। ये तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हाइला के विषय में दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें दोस्तों और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।